बाड़मेर जिले के समधड़ी पंचायत समिति की प्रधान के चार दिन से गायब होने और प्रधान के पिता ने समधड़ी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। समधड़ी पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि मामले में एक और नया मोड़ आ गया। प्रधान पिंकी चौधरी ने बाड़मेर पुलिस को ईमेल भेजकर बताया कि वो अपने पति ससुर से प्रताड़ित होकर अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए बाहर गई है। प्रधान ने बताया कि मैं अकेली हूं और मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करें, जब मेरा मन करेगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। इस ईमेल के आने के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है। बाड़मेर के समदरी थाने में पिता की ओर से गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने से चर्चा में आई समदरी की पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी तीन दिन से गायब है। समदरी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच देर शाम बाड़मेर पुलिस के पास एक ईमेल आया और उसने सभी को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर दूसरी शादी रचाने के फोटो वायरल हो रहे थे, जबकि पिंकी चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को ईमेल भेजकर बताया कि उसे पता चला है कि उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है, लेकिन वह अपने पति ससुर से प्रताड़ित होकर अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए बाहर गई है। अकेली हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, जब मेरा मन होगा तब वापस आऊँगी। इस ईमेल के आने के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है। समदड़ी पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी के पिता ने समदड़ी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी बेटी ससुराल से पीहर आने के कहकर निकली थी, लेकिन पीहर नहीं आई, कहीं चली गई है। कई जगह उसकी तलाश करने के बाद भी सुराग नहीं मिला। मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करने पर फ़ोन बंद आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने FIR दर्ज कर चौधरी की तलाश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधान के शादी करने के फ़ोटो वायरल हुए। अलग अलग तरह के फ़ोटो डालकर कई लोगों ने लिखा कि पूर्व प्रधान ने शादी कर ली है। पिछले तीन दिन से ससुराल से अचानक गायब होकर पीहर भी नहीं पहुंची है। गोलिया चौधरीयान के पूर्व प्रधान के पिता वेलाराम ने गुरुवार शाम को रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी पिंकी चौधरी तीन दिन पहले ससुराल शेवाली से पीहर गोलिया चौधरान जाने को बोलकर निकली थी। पिंकी अभी तक पीहर गोलिया चौधरान नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि पिंकी के साथ उसका बेटा भी है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर प्रधान की तलाश शुरू कर दी है। पिंकी चौधरी प्रधान जो है समदड़ी की, वो तीन चार दिन से वहाँ से अपने घर से गायब थी। इस बात पे घर वालों ने पहले तो बताया नहीं और वो खुद तलाश करते रहे। उसके पश्चात उन्होंने थाने पे उनकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दी थी। उस गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पुलिस उसकी जांच कर रही है। इसी दौरान SP ऑफिस में एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें हस्ताक्षर पिंकी चौधरी लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने एक विवरण दिया है कि मैं स्वेच्छा से घर से गई हूँ और पति और ससुर की प्रताड़ना के कारण से मैं गई हूँ और मैं एकांत में हूँ, कहीं भी सुरक्षित हूँ और मैं वापस अपने आप आ जाऊँगी, मेरी तलाश नहीं की जाए और मैं कहीं गायब नहीं हूँ। चूँकि उस मेल की हैंडराइटिंग से कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो स्वयं का भेजा हुआ है किसी अन्य का भेजा हुआ है, तो इसकी जाँच के सिलसिले में वो भी थाना अधिकारी समदड़ी को भेजा गया है और तथ्यों के बारे में गहराई से जांच की जा रही है कि हकीकत जो है वो क्या है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ शादी की चल रही है उसमें मेल में उसका कोई विवरण लिखा हुआ नहीं है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं एकांत में हूँ और अपनी इच्छा से आई हूँ और स्वयं ही मैं वहाँ वापस आ जाऊँगी जब मेरा मन होगा। जब तक ये तथ्यों की जाँच नहीं हो जाए कि वो परिवाद देने वाली खुद ही हैं या उनके बयान नहीं हो जाए, तब तक ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि कहीं और कोई उनके नाम से मेल कर दे और उस पर उसकी जांच या उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो जाए। इस तरह से नहीं होता है, इसकी जांच गहराई से करेंगे और उनके पति से भी और ससुर से भी इस बारे में पुलिस पूछताछ करेगी कि उनकी क्या जानकारी है और ये तथ्य क्यों आए हैं आगे और कोई ऐसा मुद्दा था क्या परिवार का जिससे कि किसी तरह का कोई विवाद रहा हो। समदड़ी की पूर्व प्रधान के ससुराल से पीहर जाने का कहकर निकलने के बाद घर नहीं पहुंचने पर पिता ने FIR दर्ज करवाई थी। उसके बाद शुक्रवार शाम को ईमेल मिला जिसमें पिंकी चौधरी ने बताया कि वह पति और ससुर से परेशान होकर खुद की मर्जी से कहीं बाहर चली गई है, उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करे, वो अकेली है और जब उसकी मर्जी होगी तब वापस आ जाएगी, पुलिस तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर तो पिंकी चौधरी ने मेल भेजकर विराम लगा दिया, लेकिन पुलिस अब इस ईमेल की जांच में जुटी है कि आखिर ये ईमेल पिंकी चौधरी ने ही किया है या कहानी कुछ और है।